हेलो गाइस, आज फिर एक नया टूर। आज जा रहे हैं हम हिमाचल डलहौजी। केला खाओ, देर हो गई। अब हम निकल रहे हैं, कुछ अंधेरा है लेकिन अभी तो हल्का लगेगा। दिन निकलना स्टार्ट हो गया, मौसम अच्छा लग रहा है। और तो भैया हम 3 बजे उठे। 3 बजे उठे? 3 ना 2.5 बजे। 2 बजे की मैं भी 3 बजे उठा था। 3 से 3 बजे उठे थे? 3:30 बजे उठा था, पर आ जाता है। मैं तो अपने के बाद रोज ही उठे। हम 2 बजे उठे। 2 बजे उठे? 2 बजे उठे। करनाल पहुंच गए। यहाँ से राइट टर्न लेंगे, लेफ्ट साइड लेगोर निकल जाते हैं, राइट साइड अमृतसर। NH 44 पर चल रहे हैं। नींद आ रही थी ना? हाँ, मुझे लग रहा था कि नींद आ रही थी। सो रहे हो क्या? नींद आ रही थी। आपको भी नींद आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, अब नहीं आ रही। सोए तो नहीं है लेकिन? यस यस, हाँ पहुंचने वाले हैं। बस सिर्फ ये मान लो 10 घंटे करीब लगेंगे। बस विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। अरे वो रस्ते आए करे वो तो उधर वाले रास्ते पे थे जो हरिद्वार से जा रहे थे। चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ तो अभी आए ही नहीं। पंजाब का हिस्सा। और अब किसका हिस्सा है? अब मेरे हिस्से में आ गया। वो कितनी तो होगी? 100, 200, 250, 300, 500। ये नहीं मतलब बहुत दूर है लेकिन। इधर देखता कहाँ जा रहे हो? आज निकलते टॉफी खा लो पापा। ये रही अंदर तो जेली है। जेली ना टॉफी भी है इनमें। ये रही देखो, एक तो जेली दो। खत्म हो गई टॉफी। ले तू और कितनी लेगा? हेलो, एक टॉफी ले दे जरा। टॉफी लो। टॉफी नहीं, जेली जेली लो। जेली फिर से फुल के जी हाथ चिपका नहीं देती। हां किसी ने खा कर फेंका मेरे को। यार पीछे आ गया है। चाय तो वहां पीएंगे वो। हेलो जी, कोई आएगा? चाय वाला आएगा? चाय 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 चाय। भैया आज हमारे पास भाई सामान है खाने के लिए। हलवा। अच्छा हलवा? हलवा है, वो नमक की पूरी है। हाँ। और जी वो क्या है, अरवी है, अरवी की सब्जी है। सब्जी हाँ, हम मीठी पूरी भी दो है। ठीक है, दो तरह की सबसे अच्छे तो मीठी पूरी दो तरह की बहुत टेस्टी हूँ। दो तरह की मूंगफली की वो है चिप्स। मोहाली पहुंच चुके हैं। कितना टाइम हो गया? 11:15। 11:15 बजे मोहाली है। अमृतसर 210 किलोमीटर, मनाली 292। अच्छा ठीक है। चाय वगैरह पीनी है क्या? चाय नाश्ता? चाय नाश्ता नहीं पीनी किसी को? नहीं, तो बोलो चाय तो सब पीने। जो बोलेगा उसी मिलेगी चाय। भूपनगर से 17 किलोमीटर लेफ्ट राइट यहाँ से।
कमाल है भैया गूगल, गूगल मैप ने हमें रास्ता बता दिया कि मैं पतले रास्ते पे ले आया, आगे रास्ता ब्लॉक था, बंद था आगे रास्ता। तो पूरी तरह गूगल पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा और यहाँ से गाड़ी बैक करने में बड़ी मुश्किल हो गई। बिल्कुल कहाँ से जंगल में घुसा है, हम सोच रहे कोई शॉर्टकट होगा इसलिए आगे गए इसको। ये क्या है, कहाँ आ गए? हम आ गए नांगल डैम पे। नांगल, नांगल डैम, और वहाँ बिलासपुर में है भाखड़ा नांगल डैम। हाँ, कितना साफ पानी है इसका। हाँ, सतलुज भी वाले हैं। सतलुज सब लोगों को साफ पानी है, बहुत अच्छा। वाह यार मजा आ रहा है, कितना क्लियर पानी, कितना साफ है ना। वेरी गुड, सबको नींद आ रही है, फिर सो रहे हैं। मुझे 20 मिनट गाड़ी खड़ी करके सबने नींद ले लिए, 20 मिनट सब सोए एक जगह गाड़ी खड़ी करके। जब तक ही ना पता कहाँ जा रहे हैं हम, डलहौजी जा रहे हैं। डलहौजी, डलहौजी हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ, और हवा की आवाज भी बहुत तेज आ रही है, पता नहीं वॉइस क्या से आएगी। अरे बारिश की बूंद आई, अरे डर लग रहा है क्या, फंस गए वहाँ पर, लग तो ऐसे रहा है। चढ़ना आसान होता है, उतरना मुश्किल। आओ जल्दी चाय बन गई। छोटे चाय नहीं पे, चाय पी लो हमें। यहाँ पर चाय पिए, सब लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, बिल्कुल सबकी हालत पतली हो गई। चलो जी, अभी यहाँ से रह गया कितना, 12 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर रह गया, और सुबह किस टाइम चले थे हम, 5:35 पे। हाँ रब 8 बजे तक पे, रात हो गई काफ़ी। देखते हैं क्या होता है, होटल होटल वगैरह तो मिल जाने चाहिए। हाँ मिल ही जाएंगे। हाँ क्या हुआ, क्या कह रहे हो? क्राउड, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम हो गया है, अब रूम में चेक इन किया है, बड़े मुश्किल से रूम मिला है, जबकि ऑफ सीजन है। कितना टाइम हुआ? 10:12 लो, 10:15 हो गए। क्या कर रहे हो ना, चेंज कर रहे हो, कर लो।
सर की हालत तो पतली हो रही है बिल्कुल, है ना, थक गए बहुत ज्यादा।